फ्रेंड्स देखिए, आपको प्रेशर की आवाज सुनाई पड़ रही होगी, एयर प्रेशर जो कि ब्रेक पाइप से निकल रही है, क्योंकि यहाँ पर चेन खुली हुई है और ये गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि लखीमपुर अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच रही थी और पता नहीं किसी को जल्दी थी तो उस वजह से उसने यहाँ पर चेन पुलिंग कर दी। ये देखिए एसी कोच में चढ़े पुलिस वालों ने इस ब्रेक पाइप को सही किया, तब जाकर ट्रेन स्टेशन की ओर रवाना हुई। लेकिन ये फ्रेंड्स ये सही नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए स्टेशन के आधा किलोमीटर पहले ट्रेन को रोक दिया। इससे आपका तो फ़ायदा हो गया जिस किसी ने भी ट्रेन की चेन पुलिंग की, लेकिन ट्रेन का नुकसान हुआ। उसको प्रेशर बनाने में एटलीस्ट और ट्रेन को चलाने में 8 से 10 लीटर डीजल तेल की खपत हुई। मान के चलिए अगर 5 लीटर डीजल की भी खपत होती है तो फिर भी 300 से 350 तक की रुपए बचाए जा सकते थे। सिर्फ आपके 5 रुपए के चक्कर में 350 रुपए के करीब में रेलवे का खर्चा हुआ। और आजकल गोमती नगर एक्सप्रेस भी बुरे दौर से गुजर रही है। कभी इसका इंजन फेल हो जाता है तो कभी जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो ट्रेन के इंजन में फंस जाते हैं। पिछले 1 महीने में इस ट्रेन के साथ 4 से 5 बार घटना हुई, जिससे कि ट्रेन तो लेट हुई, साथ में यात्रियों के लिए अलग मुसीबत खड़ी हुई। ट्रेन के साथ घटना होने पर यात्रियों पर इसका अलग असर पड़ता है। अगर ट्रेन को रोकना बहुत ही ज़रूरी है तभी चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोकें, अन्यथा ट्रेन को ना रोकें। कभी कदा चेन पुलिंग होने से जिन यात्रियों को बहुत जल्दी होती है, किसी इमरजेंसी काम में जाना पड़ता है, उनको और ही अनावश्यक देरी से गुजरना पड़ता है। फ्रेंड्स एक बात और भी सीआरएस से संबंधित मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा अपना अनुमान और तर्क है, इस महीने सीआरएस होने की कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि त्यौहार का महीना है, दशहरा जैसे कि चल रहा है और साथ में दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा है। दिवाली एक बड़ा त्यौहार है और उसके बाद और भी कई रस्में, रीति रिवाज हैं, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इस महीने जो सीआरएस है वो होगा लखीमपुर से मैलानी के बीच में। और ज़्यादातर इसके जो चांसेस हैं वो अगले महीने जाने की संभावना है। अगर इस बीच में अगर सीआरएस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा ये अगले महीने मानकर ही चलें कि 10 नवंबर के करीब में सीआरएस होने की संभावना हो सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।